आइए आज अब हम आपको अमृत धारा बनाने की विधि सिखाते हैं। अमृत धारा आयुर्वेद विज्ञान का बहुत मूलभूत औषधि है और ये कई प्रकार की बीमारियों में ये उपयोग आता है। अमूमन सर्दी, सिर दर्द, जुकाम, वातावरण में बहुत ज्यादा जो है नमी और ह्यूमिडिटी आ गई तो सिर दर्द हो रहा है तो मात्र सूंघ लो, एकदम सिर दर्द ठीक हो जाएगा। अभी कोरोना काल में बहुत से लोगों ने इसको सैनिटाइजर की तरह इस्तेमाल किया, ठीक है, ये हमारा बना बुनाया अमृत धारा है, इसको सैनिटाइजर की तरह इस्तेमाल किया और इसको सूंघ लेने से, एक तो ये क्या है पॉजिटिव होता है, और इसको सूंघ लेने से जो भी हमारे सिर में जो है थोड़ा भारीपन है वो दूर हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को प्रयोग कराया, सोनू कुमार को, तो इनको समझ में आया। इसके अलावा क्या है कि ये बदहजमी, एसिडिटी ऐसी भी बन रही है तो चार बूंद जो है एक बूंद एक कप पानी में डालना पी लेना है, बदहजमी मंदाग्नि ये ठीक हो जाती है, पतैया काट ले तो आप थोड़ा घिस लो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और भी तो बहुत से हैजा में अन्य भी कई चीजों में उपयोग करते हैं, तो आप इसको जो है अमृत धारा के कई उपयोग हैं, जैसे जैसे उपयोग करोगे आपको समझ में आता जाएगा। आइए आज मैं इसको बनाने की विधि समझाता हूँ। इसमें तीन चीजें लगती है, पहली चीज है कि कपूर, दूसरा है अजवाइन सत और तीसरा है पिपरमेंट। ये पास से दिखाओ, ये तीन चीजें मुख्य हैं, ठीक है। देसी कपूर, शुद्ध कपूर, यानी कपूर के पौधे से निकला हुआ कपूर होना चाहिए, अजवाइन सत और पिपरमेंट यानी पुदीना सत, ये तीन मुख्य हैं। फिर उसको और अच्छा करना है तो लौंग का तेल, यूकेलिप्टिस का तेल, दालचीनी का तेल मिला सकते हो, ठीक है। अब ये तीन चीजें, लेकिन अभी क्या है बाजार में बहुत ज्यादा सिंथेटिक कपूर आता है, चाइना का कपूर, तो सबसे पहले हमको इसको चेक करना है कि ये सिंथेटिक है कि आयुर्वेदिक है, कपूर के पेड़ से निकला है। तो इसको चेक कैसे करोगे, दो विधि है, एक तो वैद्य राजेश कपूर विधि है, बाएं हाथ में लेना है, दाहिने हाथ को दबाना है, वैद्य राजेश कपूर विधि यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको ध्यान में जाएगा। इस कपूर विधि से चेक कर लीजिए, बहुत सरल है विधि, हर कोई कर सकता है, ठीक है, पेंडुलम तो थोड़ा सीखना पड़ेगा। अब ये तीनों चीजें हैं तो हमको क्या करना है, इनको सबसे पहले क्रम से कपूर को जो है हमको जो है ये बॉल में ऐसे डालना है और इसको तोड़ना है, इसको जो है तोड़ना है। दूसरा है हमको इस पे जो है ये पिपरमेंट पुदीना सट ये मिलाना है, अगला जो काम है ये है अजवाइन सत, ये अजवाइन सत हम इसमें मिला देंगे, ये तीनों को हमने मिलाया, जैसे ही मिलाएंगे ये तरल होना शुरू हो जाएगा, देखिए तरल हो गया, अब ये अपने आप ये लिक्विड हो जाएगा, ये देखिए तरल होना शुरू हो चुका है, देखिए अभी मात्र 1 से 1.5 मिनट हुआ है और ये कितना लिक्विड हो गया, अभी से 2 से 2.5 मिनट हुआ इतना लिक्विड हो गया, ये धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा, 3 से 4 मिनट में देखिए कितना लिक्विड हो गया है, कितना तरल हो गया, ये कितना तरल हो चुका है, ये 7 से 8 मिनट बाद ये इतना लिक्विड हो गया। अब हम इसमें क्या है यूकेलिप्टिस का तेल ये हम मिलाएंगे पूरा, ये यूकेलिप्टिस का तेल हमने मिला दिया, अब हम इसमें जो है ये लौंग का तेल भी मिला देंगे, ये लौंग का तेल है ना, ये मिला देंगे पूरा, देखिए पूरी तरह से लिक्विड हो चुका है, तैयार हो गया अमृत धारा। इसको इसमें ये लिक्विड को भरना है ऐसे करके,